अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी टिकट के संभावित उम्मीदवार अब अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ लोगों से जनसभा करके समर्थन व सहयोग मांग रहे हैं ताकि चुनाव से पहले जमीनी स्तर को मजबूत कर लिया जाए। यूं तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन बीजेपी पार्टी के पलवल जिले में काफी लंबे लिस्ट संभावित उम्मीदवार की है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रबल दावेदार टिकट का कौन होगा। इसी के चलते बैंसलाद के बड़े गांव बड़ोली में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं भाजपा नेता सतबीर पटेल पिछले लंबे समय से भाजपा पार्टी से टिकट की संभावित तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने जनसभा के दौरान सतबीर पटेल का स्वागत करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद व समर्थन दिया। वहीं भाजपा नेता सतबीर पटेल ने बताया कि वह पलवल में टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पलवल से प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। आज हमने अपने गांव बड़ोली के समस्त सरदारों की पंचायत की, जिसमें हमारे गांव बड़ोली में बसने वाले सभी समाजों ने हिस्सा लिया और मैंने उनके सामने आग्रह किया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो सभी सरदारों ने तन मन और धन से मेरा साथ देने का पूरा समर्थन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने के लिए ही मैंने पंचायत का आयोजन किया था कि बस्ती माता अगर आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और उसके लिए टिकट दिलवाने में बस्ती माता मुझे सहयोग दे, तो टिकट मांगने के लिए ही हम जाएंगे और अपने आला कमान से टिकट की मांग करेंगे। टिकट नहीं मिलने की स्थिति थी, मैं इलाका के ऊपर निर्णय करेगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। वैसे हमें पूरे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में इस क्षेत्र ने 80% से अधिक वोट देकर के समर्थन साथ दिया है और तीनों 14 के चुनाव में 2019 और 2024 में एक तरफा होकर के क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है।